जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा उन सब एथलीट के लिए एक मैसेज है जो स्टीराइड ड्रग यूज़ करते हैं और बाद में आके कंप्लेन करते हैं कि हम अपनी फीमेल के साथ कपलेशन करते हैं, प्रेगनेंसी का प्लान करते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो याद रखना, जितने भी एथलीट हैं स्टीराइड यूज़ करते हैं। देखिए, स्टीराइड की तीन टाइप्स होती हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनरोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंड्रोजन स्टीराइड। एंड्रोजन स्टीराइड की एग्जांपल है मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। तो एथलीट हमेशा पाउडर की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में, टेबलेट की फॉर्म में मिथाइल टेस्टोस्टेरोन इंटेक करते हैं। जब वो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन इंटेक करेंगे तो उनमें इनफर्टिलिटी होगी। एथलीट अगर अपनी फीमेल के साथ प्रेगनेंसी का प्लान रखते हैं तो कुछ दिनों के लिए मिथाइल टेस्टोस्टेरोन यानी कि स्टीराइड को छोड़ दें। जब वो स्टीराइड को छोड़ेंगे बाद में उनमें फर्टिलिटी आएगी। याद रखना, स्टीराइड ड्रग मिथाइल टेस्टोस्टेरोन जब तक वो यूज करते रहेंगे वो इनफर्टाइल रहेंगे, जब इसका यूज छोड़ देंगे दोबारा वो फर्टाइल हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपने कभी भी अगर प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन स्टीराइड यूज नहीं करनी। थैंक यू सो मच।